अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खुमार, आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते कि ऐ अल्लाह, मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ और मैं तुझ पर ईमान लाया और मैंने तुझ पर भरोसा किया और मैंने तेरी तरफ रुजू किया और तेरी ही तरफ अपना मामला पेश करता हूँ। ऐ अल्लाह, मैं तेरे गलबे के साथ पनाह चाहता हूँ, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। पनाह चाहता हूँ इस बात से कि तू मुझे गुमराह करे। तू जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं, और जिन वो इंसान सब मर जाएंगे। हदीस मुबारक, बुखारी व मुस्लिम। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। निजामबाद के तलबा का नीट में शानदार मुजाहरा, कई तलबा ने चौका देने वाले निशाना व रैंक हासिल किए। रैंकर्स में अब्दुल मुख्तदिर और अम्मार अभी शामिल हैं। उर्दू की दगर को सूरत हाल, तवज्जो देने वालों की कमी, तमाम सरकारी इदारों व महकमा जात से उर्दू गैब। एमबीटी कायद आरमूर की नुमाइंदगी पर एरिया हॉस्पिटल आरमूर में उर्दू तहरीर। माओ की गोदों में ही नस्लों का मुस्तकबिल परवान चढ़ता है, लिहाजा माओं का इस्लामी तालीमात से आरास्ता होना इंतहाई लाजमी है। तंजीम इस्लाह माशरा व इजाला मुल्कात की मसाई शानदार, मेहमानों का एहसास। गवर्नमेंट अस्पताल भोजन के कंट्रैक्ट मुलाजमीन 4 माह से तनख्वाह से महरूम, उन्होंने सीआईटीयू की क्यादत में धरना मुनज़्ज़म किया और बताया कि हमारे अफराद खानदान अफाकों पर मजबूर हैं। अब खबरें तफसील से। जरूरत इस बात की है कि बच्चों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाए और इनकी मुस्बित राहों पर ठोस हौसला अफजाई की जाए, इससे बेहतर नतायज का हासिल यकीनी होगा। निजामबाद के बाद तलबा ने नीट में शानदार निशानात और रैंक हासिल करते हुए चौंका दिया है। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साखी, अगर ये मिसरा हमारी नौजवान नस्ल पर लागू कर दिया जाए तो खतई गलत ना होगा, क्योंकि हमारे ज़िले के बिलखसूस शहर निज़ामबाद के तलबा व तालिबात ने इस साल शानदार चौंका देने वाला मुजाहरा किया। हाल ही में नीट के इम्तहान के नतायज मंजर आम पर आए और बेशुमार तलबा ने चौंका देने वाला मुजाहरा किया, जो कि हमारे लिए बहुत ही काबिल फ़ख्र बात है। चंद तलबा के बारे में हमारे पास मालूमात आई हैं जो हम आपके गोशे गुजार करना चाहते हैं। शहर में चलने वाले एक इदारे से तरबियत हासिल करने वाले तलबा ने बहुत ही शानदार मुजाहरा किया और बड़े निशानात और रैंक हासिल किए, जिनमें काबिल जिक्र आयशा उमेरा जिन्होंने 720 के मिनजुमला 547 निशानात हासिल किए, आयशा बानो ने 720 के मिनजुमला 530 और अब्दुल मुख्तदिर ने 720 में से जुमला 537 निशानात हासिल किए। इनके अलावा इसी इदारे के गैर मुस्लिम तलबा निधि पाटिल ने 720 में से 535 निशानात, साई सूरती ने 720 में से 500 निशानात हासिल किए। अब्दुल मुख्तदिर जिन्होंने 537 निशानात हासिल किए हैं, कभी इम्कान है कि इनको गांधी मेडिकल कॉलेज या उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में सीट दस्तियाब होगी। इनसे आज हमने मुलाकात की और इनकी इस शानदार कामयाबी पर मुख्तदिर के अलावा इनके वालिद इसहाक हुसैन टीचर को भी दिली मुबारकबाद पेश की। गुफ्तगू के दौरान मुख्तदिर से इनके मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी के ताल्लुक से इस्तफसार पर उन्होंने बताया कि इनको कार्डियोलॉजी में खुसूसी दिलचस्पी है और वो चाहते हैं कि MBBS की तकमील के बाद वो MS या MD कार्डियोलॉजी में करें। दुआ है कि अल्लाह इनके अजायम को कबूल फरमाए और इनको शानदार कामयाबी से हमकिनार फरमाए। इसके अलावा जूनियर कॉलेज खिला के प्रिंसिपल मोहम्मद यकीनुद्दीन की दूसरी साहेबजादी अम्मारा ने भी शानदार कामयाबी हासिल की, उन्होंने 720 में से जुमला 437 निशानात हासिल किए। इस तरह इनके भी MBBS के लिए रास्ते हमवार हो चुके हैं। दुआ है कि अल्लाह तमाम तलबा को
बेहतर कामयाबियों और बेहतर मुस्तकबिल से सरफराज फरमाए। आमीन सुमा आमीन। डिवीजन 57 में 10 लाख की लागत से सीसी सड़क के तामीरी कामों का आगाज मेयर बलदिया नीतू किरण ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि शहर हमाजह तरक्की की जिम्मत गामजन है। हाल ही में वजीर आला KCR ने अपने दौरे निजामबाद के मौके पर 100 करोड़ रुपए का खसूसी बजट दिया है। डिवीजन 57 में मेयर बलदिया नीतू किरण के हाथों 10 लाख की लागत से सीसी रोड के कामों का आगाज हुआ। इस मौके पर इनके हमरा डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, मोहतमद मजलिस मोहम्मद शहबाज और दीगर मौजूद थे। मुकामी इंचार्ज कारपोरेटर सैयद एजाज हुसैन ने मेहमानों का खैर मकदम किया। उन्होंने बताया कि इनके डिवीजन में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पा चुके हैं और मजीद काम भी जल्दी शुरू किए जाएंगे। मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि इस सड़क की तामीर में थोड़ी ताखीर हुई है, मगर अब काम बेहतर अंदाज में अंजाम पाएगा और आवामी मसाइल की यकसुई होगी। मेयर बलदिया नीतू किरण ने कहा कि शहर के तमामी डिवीजनों में MLA बिगाला गणेश गुप्ता की क्यादत में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पा रहे हैं। शहर खूबसूरत तरीन बनता जा रहा है। हाल ही में शहर की तरक्की से मुतासिर होकर वजीर आला KCR ने अपने दौरा निजामबाद के मौके पर शहर के लिए 100 करोड़ रुपए का खसूसी बजट मंजूर किया है। और आज ये एक ही नहीं और 5 वार्डों में आज इनॉग्रेशन कर रहे हैं। पूरे 70 लाख के लागत से कर रहे हैं। जो ये पटन प्रगति का फंड है जो मिल रहा है हम सबको, सब वार्डों में ये कार्यक्रम चल रहा है बहुत दिनों से। मैं हर रोज हर हफ्ते में 3-4 वार्डों में जाकर इनॉग्रेशन का सिलसिला मैं शुरू कर चुकी हूँ। जो ये रोड जल्दी से जल्द कर जो कॉन्ट्रैक्टर्स है जो प्रजा के राहत पे जल्दी से लाए तो अच्छा है, क्योंकि बहुत परेशान हो रहे हैं सब मोहल्ले वालों को। मैं ये फंड देने के लिए ये पूरा जो अपने निजामबाग का जो डेवलपमेंट हो रहा है इसके लिए मैं सबके तरफ से हमारे MLA साहब को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ये रोड का काम बहुत पहले से पेंडिंग था, लेकिन सबर का फल मीठा होता है। वैसा ही ये BDCC रोड जो है बहुत ही मजबूत होती है, इसलिए हो सकता है डिले होने की वजह भी ये हो। बहरहाल बहुत सारे काम हम कर चुके हैं और भी करने वाले हैं, और इस खसूस में बहुत सारे नुमाइंदियाँ किए थे जिसकी वजह से KCR साहब पर्सन जो आए 100 करोड़ रुपये निजामबाद के लिए एक्सेस बजट सैंक्शन किए। उसके लिए हम MLA साहब और KTR साहब और KCR साहब पुलसन हमारे सदर मोहतरम जनाब असदुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि बड़ा वक्त हम लोग जायद फंड के लिए नुमाइंदगी किए थे। इंशाल्लाह और आने वाले दो पीरियड में बहुत सारे काम जो हम करने बाकी हैं इंशाल्लाह वो भी करेंगे। पुलसन बारिश के पानी की निकासी के लिए हम बहुत बड़ा प्लान लेके हैं। इंशाल्लाह आने वाले बरसात के मौसम में ये पानी का मसला यकीनन खत्म करेंगे और बहुत सारे काम भी करेंगे। आप लोगों का ताउन का शुक्रिया। मरकजी हुकूमत की जानिब से वार्मिंग डे प्रोग्राम का एहतमाम। इस प्रोग्राम के तहत 1 साल से 19 साल तक के बच्चों को एक मखसूस गोली खिलाई जाएगी, जिससे बच्चे पेट में अफजाइश पाने वाले केचुओं से नजात पाएंगे और इनकी बेहतर नशो नुमा होगी। सादुल्ला CEO अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर मालापल्ली की इत्तला के मुताबिक 15 सितम्बर 2022 को मुल्क भर में कौमी सतह पर नेशनल डी वार्मिंग डे का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसके तहत 1 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चों को एक मखसूस गोली खिलाई जाएगी, जिसके जरिए बच्चों के पेट में पनपने वाले केचुओं का खात्मा किया जा सके। अगर किसी बच्चे के पेट में इस किस्म के केचुए पैदा होते हैं तो इस बच्चे की नशोनुमा रुक जाती है और उसकी सेहत भी बहुत मुतासर रहती है, और ये बच्चे हमेशा ही बीमार और किसी न किसी दर्द और कमजोरी का इजहार करते नजर आते हैं। लिहाजा इस सिलसिले में जिला कलेक्टर चिनारा रेड्डी और मेडिकल एनल ऑफिसर डॉक्टर सुदर्शन और डिप्टी DMNHO डॉक्टर तुकाराम राठौर और मेडिकल ऑफिसर मालापल्ली डॉक्टर तरुण नवाज ने आवाम से खासतौर पर वालिदैन से अपील की है कि वे अपने बच्चों को इन गोलियों को बच्चों को जरूर खिलाएं। ये गोलियां आंगनबाड़ी सेंटर्स, स्कूल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और सरकारी दवाखानों पर दस्तियाब रहेंगी। अगर किसी को ये गोलियां नहीं पिल पाई तो अर्बन हेल्थ सेंटर मालापल्ली निजामबाद से रुजू हों। इस सिलसिले में एक अहम इजलास अर्बन हेल्थ सेंटर मालापल्ली पर मुनक्किद किया गया, जिसमें मुकामी कारपोरेटर मोहम्मद नसीर, इंचार्ज कारपोरेटर सैयद जकीउद्दीन, अब्दुल मुकीम गफूर, मोहम्मद रफीउद्दीन और दीगर ने शिरकत की। नेशनल डिवॉर्मिंग डे ये मैं
महीने 15 तारीख से शुरू होने वाला है, जिसमें अपन हर एक साल के बाद के बच्चों को 19 साल तक कंपलसरी एक टैबलेट, फर्स्ट से टू ईयर्स तक बच्चों को हाफ टैबलेट, 2 to 3 years वन फुल टैबलेट, और उसके बाद भी वन फुल टैबलेट देना है, जिसके छोटे बच्चों को 2 चम्मचों में पाउडर की तरह पानी में घुला के देना है फर्स्ट टू सेकेंड ईयर्स तक, एंड 2 to 3 years फुल टैबलेट पाउडर करके पानी में देना है, और 3 से 19 साल तक के बच्चों को पूरा फुल टैबलेट चूसने से, जितना आराम से चूसेंगे आप उससे उतना अच्छा इफेक्टिव वो बॉडी में रहेगा, जिससे अपने वॉर्म्स जो रहते केच में वो निकल जाएंगे, और एक ही दिन 15 सितंबर के दिन सबके साथ लेना बहुत फ़ायदेमंद है, इसलिए जिस तरह आप पोलियो के टीके लेते हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ कर सभी पेरेंट्स टीचर्स से गुजारिश है कि अपने बच्चों को ये टैबलेट देने लगाइए। आपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में 15 तारीख को नेशनल डिवॉर्मिंग डे प्रोग्राम होने वाला है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे आज मालापल्ली UPSC में मीटिंग रखी है, उसमें लोकल डॉक्टर तरनम नाज और CO शादुला और पूरे स्टाफ, आंगनवाड़ी स्टाफ और टीचर्स, हेडमास्टर्स भी आए थे, तो सभी को ये बोल रहे थे हम कि हमें बच्चे 1 to 19 years एक साल से 19 साल तक के बच्चों को सभी को डीवार्मिंग की गोली खिलाना ज़रूरी है, आलबेंडाजोल 400 mg टैबलेट सिंगल डोज टैबलेट खिलाना ज़रूरी है, क्योंकि अपने यहाँ पे अपनी ज़मीन 58% ये केंचुओं से पोल्यूटेड है, अगर कहीं चप्पल निकाल के पैर रख देंगे तो वहाँ केंचुए अपने पैरों के जरिए अपने शरीर में आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, शहरियाने निज़ामाबाद को हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से और मैं मोहम्मद सादुल्ला मालापल्ली PAC अर्बन सेंटर की जानिब से ये इत्तला दी जाती है कि एक साल से लेकर 19 साल तक के बच्चों के लिए उनके बच्चों के पेट में मौजूद वबाई अमराज यानी केचुए उसको हर निकालने के लिए हर 6 महीने में एक अल्बेंडाजोल की टैबलेट दी जाती है, तो ये 15 सितंबर से वो मुहिम का आगाज हो रहा है जो बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, और ये अपने बच्चों को आप ज़रूर खिलाएं, पेरेंट्स से गुजारिश है कि ये टैबलेट अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएं ताकि अपने बच्चों की तेज़ी से नशोनुमा हो सके और बेहतर सेहत हो सके। सदा उर्दू सोसाइटी का बनरा से तीन मुशायरा वो अदबी निशीत मारूफ शायर अदीब वो एडिटर गौज जबी निज़ामबादी मरूम को खराज अकीदत पेश की गई, और इनके नाम से मंसूब एवार्ड मुख्तलिफ शोबाजात में खिदमत अंजाम देने वाले अफराद को पेश किए गए। सदा उर्दू सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम मेहमान फंक्शनर अहमदुल्ला कॉलोनी पर एक अज़ीम-ए-शान बैरून रियासती मुशायरा बसादरत मिर्ज़ा अब्दुल बेग तेजान मुनक़िद किया गया, जिसमें तायबी रमजान इंचार्ज अर्बन कांग्रेस सैयद नजीब अली एडवोकेट साबिक़ा रुकन बोर्ड गवर्नर उर्दू अकेडमी अशफाक अहमद खान पापा एडिटर निज़ामबाद मॉर्निंग टाइम्स रुकन एग्रेशन कमेटी निज़ामबाद मोहम्मद अरशद अली उर्दू ऑफिसर कलेक्ट्रेट निज़ामबाद ने बाइज़त मेहमान खुसूसी शिरकत की, और अपने खिताब में कहा कि ये मुशायरा बेलौज खामोश उर्दू की 4 दिनों पर मुश्तमिल खिदमत अंजाम देने वाले फरशनाज मोहतरम जमीन निज़ामबादी जिनका हाल ही में बहालत नवाज इंतकाल हुआ है, इनकी याद में इनको खराज अकीदत पेश करने के लिए मुनक़िद किया गया है। अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाते हुए जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फरमाए। मौसूफ ने अपने आखिरी सांस तक उर्दू जबान की खिदमत की और इसकी आबहली के हमातन गोश सरगर्म रहे, शेर अदब की माना मगोज के जरिए खिदमत अंजाम दी, सहाफत दर्स व तदरीस उर्दू नायबाब की पजीराई नौजवान शोरा की हौसला अफजाई के जरिए उन्होंने अपनी बुलंद खामती का सबूत दिया, जो सिर्फ काबिल सताइश ही नहीं बल्कि काबिल तकरीर भी है, कोई तगोदोग में अपने मालिक की हकीकी से जा मिले, दुनिया में कोई भी कौम अपनी जबान और तहजीब से जिंदा व ताबिंदा रहती है। सदा उर्दू सोसाइटी इस वजह से भी काबिल मुबारकबाद है कि इतने जमीन निज़ामबादी एवार्ड मुख्तलिफ खादिमीन उर्दू जिनमें काबिल जिक्र मोहम्मद मुमताज मौजिब डाइट कॉलेज, तजियुद्दीन असलम प्रिंसिपल दरपल्ली, मोहम्मद अनवर टीचर, मोहम्मद मुजीबुद्दीन टीचर ब्रिगेड शाइन टीचर उर्दू हाई स्कूल, अर्शी इकबाल प्रिंसिपल, हबीबा साहिदा प्रिंसिपल नागाराम कैम्ब्रिज उर्दू कॉलेज, अब्दुल अलीम टीचर, डॉक्टर जामिन की हजरत को पेश करते हुए इनकी पजीराई की, मेहमान शायरों को भी इस मौके पर तहनीत पेश की गई। मेहमान मुतर्रम शायर साबिर बसमत नगरी बसमत अब्दुल करीम दुर्वेज वाशिम के अलावा मेज़बान मुतर्रम शोरा कराम ने अपने कलाम से सामाइन को महसूस किया। इस मुशायरे जैसे की नज़ामत डॉक्टर समी अमान ने की। आखिर में
نعتذر سبھی وسیل الخیر محمد اعجاز کے اظہار تشکر پر اس اردو کی محفل کا اختتام عمل میں آیا۔ نظام آباد کے مشہور شاعر و ادیب مرحوم جمیل نظام آبادی کی یاد میں منعقد کیا گیا۔ سرائے ویلفیئر سوسائٹی ان کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہے کہ اللہ مرحوم کی مغفرت فرما دے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ 13 ستمبر یعنی آج سے درگاہ حضرت سید جلال الدین بخاری بودھن کی 3 روزہ عرس تقاریب کا آغاز۔ آج سندر جلوس نکالا جائے گا اور عقیدت و احترام کے ساتھ مراسم سندر ادا کیے جائیں گے۔ سجادہ نشین اور درگاہ کمیٹی نے زائرین و عقیدت مندوں سے بکثرت شرکت کی خواہش کی۔ بودھن شہر کی مشہور و معروف درگاہ حضرت سید جلال الدین بخاری کی عرس تقاریب کا 13 ستمبر یعنی آج سے آغاز ہو چکا ہے اور اس سلسلے میں انتظامات کو مکمل طور پر ہدایت دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے درگاہ کے سجادہ نشین احمد عبدال نے بتایا کہ ہر سال اس درگاہ پر ہزاروں کی تعداد میں زائرین عرس تقاریب میں شرکت کے لیے آتے ہیں اور ہر سال کی طرح اس سال بھی پورے تسک و احتشام کے ساتھ عرس تقاریب کا اہتمام کیا جائے گا۔ آج 13 ستمبر کو سندر جلوس نکالا جائے گا جو مختلف علاقوں سے گزرتا ہوا درگاہ شریف پہنچے گا جہاں پورے عقیدت و احترام کے ساتھ مراسم میں سندر ادا کیے جائیں گے۔ 14 اور 15 ستمبر کو محفل قوالی سما اور چراغاں کا اہتمام کیا جائے گا۔ انہوں نے تمام عقیدت مند زائرین و مریدین سے خواہش کی کہ وہ حسب سابق اس سال بھی روایتی جوش و عقیدت کے ساتھ تمام 3 روزہ عرس تقاریب میں حصہ لیں اور فیوز و برکات حاصل کریں۔ اس موقع پر درگاہ کمیٹی کے صدر شیخ فصیح کے علاوہ خازن محمد مکرم، نائب صدر نعیم خان، ممبران ثنا پٹیل، ابراہیم خان، شیخ محسن اور دیگر موجود تھے۔ عرس حضرت سید شاہ جلال بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا منایا جا رہا ہے۔ آج 13 ستمبر یعنی 15 سفر عرس شریف مقرر ہے۔ 14 15 سفر کو 15 سفر کو عرس مقرر ہے۔ 16 سفر کو چراغا، جس میں جو تو قوال گوالیر کا قوال اور سلمان اجمیری اور ممبئی کے سنم خانم مقالہ ہوگا اور انعامات تقسیم ہوں گے چیف گیسٹ کے طور پر۔ گورنمنٹ ہسپتال بودھن میں نچلی سطح پر خدمت انجام دینے والے کنٹراک ملازمین شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ وہ گزشتہ 4 ماہ سے تنخواہ سے محروم ہیں۔ محمد فیروز نامی ورکر نے سوال کیا کہ آخر ہم اپنے افراد خاندان کی کفالت کیسے کریں۔ بودھن ہسپتال میں مختلف شعبہ جات میں خدمت انجام دینے والے کنٹراک ورکرز نے آر سی آئی ٹی کی قیادت میں احتجاجی دھرنا منظم کیا اور مطالبہ کیا کہ ان کی 4 ماہ سے باقی تنخواہوں کی فی الفور اجرائی عمل میں لائی جائے۔ محمد فیروز نامی ورکر نے بتایا کہ وہ غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنے گھروں کی کفالت کے واحد ذمہ دار ہیں اور اس گورنمنٹ ہاسپٹل میں واچمین، سینیٹریشن اور دیگر شعبہ جات میں معمولی خدمات انجام دینے والے ورکرز ہیں، جس کے عوض ان کو معمولی سی تنخواہ فراہم کی جاتی ہے اور یہ تنخواہ بھی بر وقت نہیں ملتی اور اب مسلسل 4 ماہ سے وہ تنخواہ سے بھی محروم ہیں، جس کی وجہ سے ان کے افراد خاندان بھوک و فاقہ کشی پر مجبور ہو رہے ہیں۔ وہ مسلسل مقروض ہو رہے ہیں اور قرض دینے والوں نے اب مزید قرض دینے سے انکار کر دیا ہے، لہذا وہ شدید ترین مشکلات کا شکار بنتے جا رہے ہیں۔ لہذا فوری اس معاملے میں محکمہ ہیلتھ کے ذمہ داران متوجہ ہوں اور ان کے مسائل کی یکسوئی کروائیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی طرح ضلع بھر میں جملہ 41 ورکر سے جو اس طرح کی مشکلات سے دوچار ہیں۔ میں ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بودھن میں پیشنٹ کیئر کا کام کرتا ہوں، 4 مہینے ہوگا سیلری نہیں ہے، پرانے پی ایف آ بھی باقی ہے، 4 مہینے سے تنخواہ نہیں رہنے کی وجہ سے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ ڈیوٹی کو آنے کے واسطے بھی پریشانی ہو رہی، گھر کے کرایے نکل رہے نہیں، گھر کرایہ دار پریشان کر رہے ہیں۔ ابھی تک سپرنٹنڈنٹ صاحب کو 4 بار لیٹر دیا ہم لوگ، کوئی چیز کا ریپلائی نہیں ہے، بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ کلکٹر صاحب سے، آر ڈی او صاحب سے، سپرنٹنڈنٹ صاحب سے ہماری یہ گزارش ہے کہ جو بھی ہمارے پینڈنگ تنخواہیں ہیں دے دیجیے۔ ناظرین لے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔
नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है। बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है। साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100ml, 200ml और 500ml की बोतलों में दस्तियाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तियाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। कौमों का मुस्तकबिल माओं की गोदों में ही संवरता और पनपता है, लिहाजा खवातीन का इस्लामी तालीमात से आरास्ता होना इंतहाई लाजमी है। तंजीम इस्लाह माशरा व इजाला मुनकरात की काविश काबिल सताइश है। तंजीम के प्रोग्राम से मेहमान मुकर्रर इनका खिताब। तंजीम इस्लाह माशरा व इजाला मुनकरात की जानिब से तबाह करवाए गए सालाना हिजरी कैलेंडर की आज रस्म इजरा अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में सब इंस्पेक्टर एम ए फहीम, रियासती सेक्रेटरी TRS तारिक अंसारी, माहिर तालीम डॉक्टर रजी शुतारी और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर तंजीम के खादिम मोहम्मद अब्दुल नईम ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और तंजीम के अगराज व मकासिद और खिदमात पर रोशनी डाली और कहा कि इस्लामी माशरे को बिना किसी तकसीम के इस्लामी तालीमात से आरास्ता करना और इनके किरदार और अखलाक की तत्थीर करना है। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए मेहमानों ने तंजीम की काविशों को जबरदस्त सराहा और कहा कि इस्लामी लिटरेचर तो आम बात है लेकिन इस्लामी आसान निसाब की बहुत ही खास जरूरत थी। मोहम्मद नईमुद्दीन ने इस कमी को पूरा करने की मकदूर भर कोशिश की है जो कि काबिले सताइश है। इस मौके पर बिलखसूस तालिबात पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करने और इनमें इस्लामी तालीमात को आम करने की कोशिशों की भी जबरदस्त सताइश की गई और कहा कि ख्वातीन ही किसी भी माशरे का असल है क्योंकि कौमों का मुस्तकबिल माओं की गोदों में ही परवान चढ़ता है और संवरता और पनपता है, लिहाजा ख्वातीन का इस्लामी तालीमात से आरास्ता होना इंतहाई लाजमी है। अच्छी बात करना, अखलाक के साथ रहना, गाली देना बिगड़ना, अगर इल्म नहीं रहा, तालीम नहीं रही तो हम सब बिगड़ जाएंगे। आप जाके देखिए गरीब मोहल्ले जात के अंदर, वहाँ तालीम नहीं रहती, कोई किसी की ये नहीं रहती है, अम्मा बाबा क्या है मालूम नहीं, अल्लाह मालूम नहीं, रसूल मालूम नहीं, क्योंकि तालीम ही नहीं है ना। तालीम से सब कुछ है, तालीम से सब कुछ है। तो तालीम के लिए ख़ासकर अब ये इस्लाह माशरे की तरफ से इस्लाह करना है तो बच्चों को अगर हम क्या है मालूम है सही तरबियत दे दें तो माशरा क्या है मतलब खुद अपना सुधारना शुरू हो जाएगा। जैसा कि तारिक अंसारी आपको बताएं इस कैलेंडर के ताल्लुक से और ये जो भी मवाद इस्लाह माशरे की तरफ से आप लोगों को दिया गया है, बस इसमें मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये जो मवाद तैयार किया गया है उलमाओं के बेहतरीन टीम इसके ऊपर मेहनत करते हुए इस मवाद को तैयार किए। आपसे अदबन गुजारिश है आप लोग इसे पढ़े भी और इसके ऊपर अमल भी करें और अपने घर के दूसरे और आपके क्या है मालूम है लोगों को भी इसके ऊपर अमल करने की ताकीद करें। मेरी हस्ती का उन्वान और आज का हमारा मौजू माँ की गोद मदर्स लैब दफ्त दरस का पहली जो स्कूल है माँ की गोद, यकीन माँ की बड़ी हस्ती है, उसकी शान अलग है, माँ का रुतबा बहुत बड़ा है लेकिन बाप की शान तो बाप की शान अलग है। लेकिन आज के उन्वान हम इसलाई माशरा व इजारी मुनकरात की जानिब से जो आप लोग के दरमियान अपनी खिदमत में आए, यही वजह है कि आज तलबा में तलबा व तालिबात के अंदर इसका इम्पोर्टेंस आप लोग बताना ज़रूरी है समझ लेंगे। और माँ की गोद यकीनन पहली दरसगाह है। अब्दुल रहीम साहब हमारे इस्लाह माशरा का काम करते, इस्लाह माशरा के नाम से एक तंजीम चलाते, एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते। इस्लाह माशरा का मतलब क्या है? माशरे से मुराद हमारे अतराफ के जो लोग हैं, जो हमारे अतराफ रहते हैं, उन सब लोगों को माशरा कहा जाता है। इस्लाह से मुराद उसको बेहतर करना, उसको अच्छा करना, उसमें जो बुराइयां हैं हमारे अतराफ के लोगों में जो बुराइयां हैं उनको दूर करना, उसको बोलते इस्लाह, अच्छा करने को इस्लाह बोलते। तो माशरे की इस्लाह के लिए हमारे रहीम साहब जो हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
आप लोगों के पास आज ये हमारी बड़ी सियासी शख्सियत और हमारे रहीम साहब, हाफिज साहब, मीडिया के लोग इसीलिए आए कि आपके आप लोगों को इसकी तालीम देना है माशरे की इस्लाह कैसे हो। बीजेपी मुदल के खाद मोहनराव पटेल की सालगिरह के मौके पर खून के अत्या का कैंप, 100 से ज्यादा अफराद ने खून का अत्या दिया। मोहनराव पटेल ने कहा कि दुनिया का सबसे कीमती अत्या खून का अत्या होता है क्योंकि इससे इंसानी जिंदगियों को बचाया जा सकता है। मुदल के सीनियर खायद मोहनराव पटेल की 58वीं यौम पैदाइश के मौके पर बजा शहर के दरबजी जेनेटिविटी में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का इनका अमल में लाया गया। इस खून के अत्या कैंप की एरिया हॉस्पिटल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ ने निगरानी की। इस ब्लड कैंप में गवर्नमेंट हॉस्पिटल भैंसा का हमला भी सरगम रहा। इस मेगा ब्लड डोनेशन कैंप में भैंसा डिवीजन के मौजूदात के लोगों ने शिरकत करते हुए अपने अपने खून का अत्याप पेश किया। इस मौके पर बीजेपी खायद मोहनराव पटेल ने अपनी 58वीं सालगिरह के मौके पर केक काटा और मीडिया से बात करते हुए कहा कि खून का अत्या इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। ये इंसानी जिंदगियों के बचाव का काम करता है और इससे बड़ा कोई खैर का काम नहीं होता क्योंकि इससे कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है। आज हम देख सकते हैं कि कई लोग आए दिन हादसात का शिकार होते हैं और उनको खून की जरूरत लाख होती है लेकिन उनको बर वक्त खून न मिलने की वजह से अक्सर लोगों की मौत वाक़ हो जाती है। लिहाजा खून का अत्याय दिया जाना चाहिए क्योंकि बर वक्त अगर खून दस्तियाब हो जाए तो कई लोगों की जिंदगी बच सकती है। लिहाजा खून का अत्याय देने वाले लोगों से बड़ा कोई नहीं होता। उन्होंने तमाम ही लोगों से ख्वाहिश की कि वो ज्यादा से ज्यादा खून का अत्याय देने की आदत बना लें। साल में 2 या 3 मरतबा खून का अत्याय दिया जा सकता है। इससे इंसानी सेहत में बेहतरी आ सकती है और कई इंसानी जिंदगियों को भी बचाया जा सकता है। उन्होंने आवाम से अपील की कि मुदल तालुके की आवाम की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार है। उन्होंने मुदल तालुके की आवाम से कहा कि वो आवाम की खिदमत के लिए हम वक्त दस्तियाब रहेंगे। इस खून के अत्या के कैंप में 100 से ज्यादा लोगों ने अपने खून का अत्या दिया। इस प्रोग्राम में बीजेपी काउंसलर गाली राव, दिलीप रामकृष्ण के अलावा दीगर मौजूद थे। అందు ఆర్భాటాలు లేకుండా ఎవరికి ఒత్తిడి లేకుండా స్వచ్ఛందంగా వచ్చి రక్తదానం చేస్తున్నారు. మరి రక్తదానంపై వైద్య సిబ్బంది అపోహలు తొలగిస్తూ రక్తదానం చేస్తున్నారు. ఎల్లప్పుడూ మొదలు ప్రజలకు మా అభిమానులకు పార్టీ కార్యకర్తలకు మా చివరి శ్వాస వరకు వాళ్ళు వెంబడి ఉంటూ నా కుటుంబ సభ్యుల్లాగా చూసుకుంటూ ముందుకెళ్తానని ఈ మెగా రక్తదాన శిబిరంలో అందరికీ కోరడం జరుగుతుంది. కహతే హై కి ఘర్ కో ఆగ్ లగ్ గయి ఘర్ కే చిరాగ్ సే उर्दूदा हल्के की बेहसी वो खामोशी ने उर्दू को जवाल पजीर कर दिया मगर आज भी उर्दू के चाहने वाले मौजूद हैं। आरमूर MBT के कायद मोहम्मद साजिद की नुमाइंदगी पर एरिया हॉस्पिटल आरमूर के साइन बोर्ड पर उर्दू तहरीर। रियासत तेलंगाना में 11 हुकूमत ने उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा दिया है लेकिन ऐसा महसूस होता है कि इस पर अमलावरी के ठोस अहकाम जारी नहीं किए गए हैं जिसकी वजह से तमामी महकमाजात व सरकारी इदारों और अवामी मकाम पर उर्दू नदारी नजर आती है। इस सिलसिले में खुद वो कायदीन जिनके घरों में उर्दू बोलचाल का माहौल है भले ही उन्होंने एक गैर मुल्की अंग्रेजी जबान में तालीम हासिल की हो मगर घर में तो माहौल उर्दू का ही है मगर ऐसे कायदीन भी अपना अच्छा असर और रसूख रखने के बावजूद भी उर्दू के लिए आवाज़ उठाने से कतराते हैं जबकि इनकी बुलंद बांग भाषण मुकम्मल उर्दू में ही होते हैं मगर अमली तौर पर जहाँ उर्दू की खिदमत की बात आती है वो खामोश हो जाते हैं। यही वजह है कि उर्दू आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है और नाकायज नस्ल की जहन साजी की जा रही है कि उर्दू से वाबस्तगी इख्तियार करोगे तो उनका मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा मगर बात उर्दू के चाहने वाले अब भी जिंदा है। वो जानते हैं कि उर्दू हमारी रगोपे में पेवस्त हो चुकी है लिहाजा आरमूर MBT के कायद मोहम्मद साजिद ने जब ये देखा कि आरमूर के एरिया हॉस्पिटल के साइन बोर्ड पर सिर्फ इंग्लिश और तेलुगु में ही
तहरीर लिखी हुई है तो उन्होंने दवाखाना सुपरिंटेंडेंट से सवाल किया कि उर्दू को क्यों नजरअंदाज किया गया। उन्होंने हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट से ख्वाहिश की कि इस एरिया सरकारी हॉस्पिटल के बोर्ड पर उर्दू में भी नाम तहरीर करवाया जाए, जिस पर सुपरिंटेंडेंट ने मुस्बित रद्द अमल का इजहार किया और फौरी एरिया सरकारी हॉस्पिटल के बोर्ड पर उर्दू में नाम तहरीर करवाया, जिस पर मोहम्मद साजिद ने मसरत का इजहार किया और सरकारी एरिया हॉस्पिटल पहुंचकर हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट से मुलाकात की और उनकी शादपोशी करते हुए मुबारकबाद पेश की और तमामी महकमजात के जिम्मेदारान से ख्वाहिश की कि वो अपने दफातर के नाम उर्दू में भी तहरीर करवाएं ताकि उर्दूदा आवाम को मुश्किल का सामना न करना पड़े। मैं मोहम्मद साजिद आर्मोटन एमबीटी लीडर, इस वक्त जो मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास आर्मोर एरिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो देख सकते हैं मेरे पीछे बोर्ड नज़र आ रहा है आपको, आर्मोर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, जो यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज जो है मेंशन नहीं किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मजलिस बचाओ तहरीक की नुमाइंदगी के ऊपर जो है अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है उर्दू लैंग्वेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे जो ज़ईफ़ हज़रात जो आते थे यहाँ पे जो है उर्दू ना रहने की वजह से जो है हॉस्पिटल का जो साइन बोर्ड था यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जो है पढ़ नहीं पाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो अमजदुल्ला खान साहब जो है नुमाइंदगी किए थे इसके ऊपर, अभी देख सकते हैं आप लोग पीछे मेरे के उर्दू लैंग्वेज बोर्ड अभी नज़र आ रहा है। मैं इस यहाँ पे इस वक्त मौजूद हूँ। मैं हमारे आर्मोर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो सुपरिटेंडेंट साहब का जो शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर सच गुरुकुल प्रोग्राम के तहत चेयरपर्सन आर्मोर बल्दिया पंडित वनिता पवन का दौरा गुरुकुल स्कूल, उन्होंने वहाँ कई प्रोग्रामों में हिस्सा लिया और तहरीरी मुकाबले में कामयाब तलबा में इनामात तकसीम किए। चेयरपर्सन आर्मोर पंडित वनिता पवन ने गुरुकुल स्कूल का दौरा करते हुए वहाँ सच गुरुकुल प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर स्कूल इंतजामिया और तलबा की जानिब से इनका शानदार इस्तकबाल किया गया और परेड और सलामी दी गई। इस मौके पर चेयरपर्सन आर्मोर बल्दिया ने स्कूल का तफसीली जायजा लिया और तलबा से गुफ्तगु करते हुए इनके मसाइल दरियाफ्त किए और उनको हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सहूलतों से मुतालिक इस्तफसार किया और बाद में उन्होंने तलबा के हमरा मिड डे मील भी तनावुल किया। स्वच्छ गुरुकुल प्रोग्राम के तहत सफाई के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में भी उन्होंने हिस्सा लिया और स्कूल में लगाए गए पौधों का जायजा लिया और इनके अतराफ भी सफाई करवाई। पंडित वनिता पवन ने बताया कि रियासत हुकूमत 5 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक स्वच्छ गुरुकुल प्रोग्राम का इनेकाद अमल में ला रही है। इस प्रोग्राम के तहत उन्होंने MLA आर्मोर जीवन रेड्डी की हिदायत पर इस स्कूल का दौरा किया है और तलबा को मिलने वाली सहूलतों के अलावा सफाई के नज्म का भी उन्होंने जायजा लिया। उन्होंने स्कूल के अमले और तलबा को मशवरा दिया कि वह हर हाल में सफाई के नज्म को मस्तर बनाएं और सफाई में अपना मुमकिन किरदार अदा करें क्योंकि सफाई इंसानी सेहत के लिए इंतहाई लाजमी होती है। इस मौके पर स्वच्छ गुरुकुल के मान पर मुनक्किद किए गए तहरीरी इम्तिहान में शानदार मुजाहरा करने वाले तलबा में इनाम अव्वल और इनाम दुअम के अलावा दीगर इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। चेयरपर्सन आर्मोर बल्दिया ने ये इनामात कामयाब तलबा के हवाले किए। इस प्रोग्राम में इनके हमरा वाइस चेयरमैन आर्मोर बल्दिया शेख मन्नू, काउंसलर इम्तियाज के अलावा स्कूल हेडमास्टर और असातिज़ा के अलावा अमला भी मौजूद था। गुड आफ्टरनून एवरीबडी। तरकी स्वच्छ गुरुकुल, स्वच्छ गुरुकुल अंटे इला स्वच्छ गुरुकुल अने कार्यक्रमानिकी गौरव टीआरएस प्रभुत्वं केसीआर गारु चेपट्टिन ई कार्यक्रमानिकी सेप्टेंबर 5 नुंडि सेप्टेंबर 11 वरकु ई कार्यक्रमानि प्रति ओक्क गुरुकुल स्कूल लो मन అర్థిలో ఉన్న రూమ్స్ కానివ్వండి, గురుకుల హాస్టల్స్ తరగతులు అది ఆఖిర్ మే దేఖేంగే హెడ్లైన్స్ ఏక్ బార్ ఫిర్। निजामबाद के तलबा का नीट में शानदार मुजाहरा, कई तलबा ने चौका देने वाले निशाना व रैंक हासिल किए। रैंकर्स में अब्दुल मुख्तदीर और अम्मार अभी शामिल हैं। उर्दू की दगर व सूरत हाल तवज्जो देने वालों की कमी, तमाम सरकारी इदारों व महकमा जात से उर्दू गैब। MBT कायद आर्मोर की नुमाइंदगी पर एरिया हॉस्पिटल आर्मोर में उर्दू तहरीर।
माओ की गोदों में ही नस्लों का मुस्तकबिल परवान चढ़ता है, लिहाजा माओं का इस्लामी तालीमात से आरास्ता होना इंतहाई लाजमी है। तंजीम इस्लाह माशरा और इजाला मुल्कात की मसाई शानदार मेहमानों का एहसास। गवर्नमेंट अस्पताल भोजन के कंट्रैक्ट मुलाजमीन 4 माह से तनख्वाह से महरूम, उन्होंने सीआईटीयू की क्यादत में धरना मुनज्जम किया और बताया कि हमारे अफराद खानदान अब फाकों पर मजबूर हैं। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।